बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है कार्बोकैटायन। और इस वीडियो में हम बेसिक इंफॉर्मेशन कार्बोकैटायन्स के बारे में देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करें। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन बोलते किस, अगर किसी भी कार्बन एटम के पास तीन बॉन्ड्स, अब किसी भी एटम्स के साथ तीन बॉन्ड्स हो और एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बॉन्ड। ठीक है, अब जिसके पास तीन बॉन्ड है मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आए, तो हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होगा, हर बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितने होंगे, सिक्स इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होगा वो मतलब बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, मतलब कार्बोकैटायन को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और इसे हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, जो कार्बोकैटायन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मान लो अगर सपोज कोई इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये कितने पहुंच जाएगा, एट इलेक्ट्रॉन पे पहुंचेगा ना, मतलब ये लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। अब इसके पास जो कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा स्टेटिक नंबर इसका क्या होगा, तो इसके पास थ्री सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितना है, जीरो। तो स्टेटिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो ये आपके पास थ्री है। और जब आपके पास स्टेटिक नंबर थ्री होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लैनर होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बोकैटायन का और शेप जो होगा वो प्लैनर है। बाकी आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि कार्बन के पास तीन बॉन्ड्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो कार्बन ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किया, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज किया है, तो उसने पी ऑर्बिटल से लूज किया। तो ऐसा बोलेंगे कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब है टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ने वाले, हम यहाँ पे बेसिक जो कार्बोकैटायन्स के टाइप होते हैं जो प्लस टू लेवल तक के हैं मैं उन्हीं को कर रहा हूँ, और भी टाइप्स हैं जो हमें काम करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या टाइप्स डिफाइन किया गया है, एक बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा टाइप है वन डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन, पहले मैं नाम लेता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरे को बोलते हैं टू डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, फोर्थ वन इज थ्री डिग्री एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। फिफ्थ वन इज विनाइलिक कार्बोकैटायन, सिक्स वन इज एराइलिक कार्बोकैटायन, एंड सेवेंथ वन इज एलाइलिक कार्बोकैटायन, एंड एट वन इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब मिथाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि अगर कार्बन के पास केवल हाइड्रोजन है, मतलब किसी भी वो कार्बन से अटैच नहीं है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है बाकी उसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, मान लो ये सी एस थ्री सही, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, मतलब ये कार्बन जो है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो केवल एक कार्बन से अटैच्ड। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी, उसमें क्या होगा, कार्बन जो है वो दो कार्बन से अटैच्ड होगा, एक बॉन्ड होगा जो कि हाइड्रोजन के साथ होगा और एक पॉजिटिव चार्ज। टर्शियरी में क्या होगा, तो कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। विनाइलिक का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बोकैटायन। एराइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है कि अगर बेंजीन में किसी भी कार्बन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एराइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या है कि अगर कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन
कि नेक्स्ट कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम ये आपका क्या हो गया, एलाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक, इसमें क्या होता है, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन, बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे कुछ भी अटैच्ड हो, अब इसमें 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी आएगा, 3 डिग्री भी आएगा, बट बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बनता कैसे है। सो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, बाय क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड बाय क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। ये हमें देखने को मिलेगा SN1 रिएक्शन में, E1 रिएक्शन में, ये हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी हम नहीं देखने वाले, अभी बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज किसी ने वाटर ऐड की, तो क्या होगा, ये क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना, ये कौन था, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बोकैटायन सिग्मा बॉन्ड के हेट्रोलिटिक तरीके से टूटने से भी बन सकता है। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, का मतलब क्या है कि अगर सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि यूजली बॉन्डेड होता है, तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, अब इसमें से कौन से एटम से डोनेट करेगा, कैसे डोनेट करेगा, ये बात ही बात। फिलहाल मैं आपको जो मेजर बनता है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि CH2 ने इसे डोनेट किया, तो इस कार्बन के पास देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया गया इस कार्बन के थ्रू, तो इसके पास डेफिशिएंसी होगा, इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बना, कार्बोकैटायन बना। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कौन सा हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बॉन्ड्स के ब्रेक होने के कारण कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब एक पॉइंट में यहाँ पे मैं और मेंशन कर देता हूँ कि जो एक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, ये जनरली पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर किया जाता है, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, अमोनिया है, इस तरह के सॉल्वेंट्स में ये टेंडेंसी हमें देखने को मिलता है जनरली। अब फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या रिएक्शंस कार्बोकैटायन कर सकते हैं। अब देखो, जो कार्बोकैटायन है, मैंने बोला क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एक रिएक्शन क्या हो सकता है कि ये डायरेक्टली इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले। न्यूक्लियोफाइल बोलने का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो निगेटिव वाले पॉजिटिव चार्ज पे तो अटैक करेगा। तो एक क्या हो गया, ये दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है, या मैं ऐसा बोले ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन दे, ठीक है। दूसरा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट कर दे, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन में होता है ये फेनोमिनन हम देखेंगे, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास भी भाई बॉन्ड होगा और, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन ने यह डोनेट किया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। पाई बॉन्ड बनने का मतलब है यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन क्या क्या दे सकता है, एक तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दे सकता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड हो सकता है, दूसरा ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, और तीसरा ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो कार्बोकैटायन जनरली फेवर करता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं, ठीक है। तो मैंने पहले बोला था, इसके पहले मैंने होमोलिटिक फ्यूजन, सॉरी बॉन्ड फ्यूजन का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कार्बोकैटायन कब बनता है, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद
जैसे जैसे जिस ऑर्डर में मैंने वीडियो बना रहा हूँ ना, उसी ऑर्डर में आप उस वीडियो को देखो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू।